राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर आए सियासी संकट ने महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्म कर दिया है। अजीत पवार की बगावत ने एक साल पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए शिवसेना के विद्रोह की याद फिर से ताजा कर दी और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि संजय राउत जो दावा ठोक रहे हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की राजनीति में मजबूती ला सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि ताजा सियासी संकट पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर हमला बोला है और इस बीच संजय राउत ने कहीं ना कहीं बड़े बयान देकर यहां पर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम बीजेपी पार्टी के नेताओं को जमकर घेरा। सुनिए इस वीडियो को। भारतीय जनता पक्ष देशातला सगळ्यात भ्रष्ट पक्ष आहे। पूर्वापासून पश्चिमेकडे आणि दक्षिणेपासून उत्तरेकडे जेवढे जेवढे भ्रष्टाचारी लोक आहेत ते सगळे भारतीय जनता पक्षामध्ये गेले। अशा भ्रष्टाचारी पक्षाशी लढण्यासाठी एकत्र येणं गरजेचं आहे, हे सगळ्या आमच्या प्रमुख नेत्यांचं एक मत आहे। देखिए, माननीय पवार साहब से मेरी अभी मुलाकात हुई है। आज सुबह हमारी पार्टी की भी एक मीटिंग हो गई थी, इसलिए मुझे आने में यहाँ थोड़ा देरी हो गई। इस संकट के घड़ी में जो संघर्ष का समय चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, शिवसेना भी एक साल से यही संघर्ष कर, तो हम सब महाविकास आघाड़ी के बैनर के नीचे हम एक साथ हैं, ये हम बताते हैं बार बार। आज उद्धव ठाकरे साहब और पवार साहब से भी बातचीत की है दोनों ने एक दूसरे के साथ, और सभी नेता कांग्रेस हो चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे पवार साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, निरंतर एक दूसरे के संपर्क में है। जल्दी शुरू होगा मराठी पहिल्या खाते वाटप अजून झालेलं नाही, पालकमंत्री पदावर वाद आहे बघा, आणि मलाही खाली खाते मागितले भाजपकडे। पाहू आता असं आहे की शिवसेनेची फूट जशी घटनाबाह्य होती तशी राष्ट्रवादीतून झालेली फूट सुद्धा घटनाबाह्य, अशा प्रकारे दोन घटनाबाह्य टेकून वरती सरकार उभा आहे। एकशे पाच आमदार ज्यांचे आहेत ते बाहेर वेटिंगला आहेत आणि जे 10-15-20 लोक घेऊन फुटत आहेत ते मंत्री होत आहेत, त्याच्यामुळे भारतीय जनता पक्षामध्ये सुद्धा प्रचंड उद्रेक आहे। सांगतात आम्हाला माहिती आहे, लोक आमच्याशी बोलत आहेत। तो देखा और सुना आपने इस वीडियो को, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर संजय राउत क्यों यहां पर दावा ठोक रहे हैं। सबसे बड़ी बात दर्शकों यहां पर निकल कर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई थी जिसमें महाराष्ट्र में जो हो रहा है इसको लेकर चर्चाएं की गई, रणनीतियां बनाई गई, तो ये भी कहा गया कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं, जी हां, उद्धव ठाकरे जो है विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे और तमाम नेताओं को जोड़ने के साथ नई पार्टी का निर्माण करेंगे। लेकिन इस बीच संजय राउत ने जिस तरीके से यहां पर बयान दिया इसको लेकर यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे की लड़ाई हो जाएगी, और अगर लड़ाई होती है तो क्या बीजेपी पार्टी यहां पर एकनाथ शिंदे को सीएम चेहरे के तौर पर देखेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जो दो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बन चुके हैं, इससे कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए जो है कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी पर खतरा हो सकता है, ये लगातार कयास लगाया जा रहा है। अब देखना यह पड़ेगा कि एनसीपी में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा में किस तरीके से जो है प्रतिपक्ष में जो दावा किया गया है उसको सिद्ध कर पाएगी और संजय राउत किस तरीके से जो है यहां पर उद्धव ठाकरे को सेफ रख पाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।